अगली खबर है नवरात्र को लेकर। नवरात्र में दुर्गा प्रतिमाओं के दर्शन करने निकली एक युवती पर मंगलवार रात करीब 12:30 बजे सराफा में बदमाशों ने जलनशील स्प्रे डाल दिया। वारदात के दौरान सुनरहाई दुर्गा उत्सव समिति के पदाधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए एक आरोपित को पकड़ लिया। वारदात में करीब 10 आरोपितों के शामिल होने की बात सामने आई है। घटना से आक्रोशित सराफा एसोसिएशन के साथ सैकड़ों लोग कोतवाली थाने पहुंच गए और प्रदर्शन करते हुए सभी आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की। इसे लेकर देर रात तक कोतवाली थाने में हंगामा मचा रहा। सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष राजा सराफा ने बताया कि युवती अपनी मां के साथ सुनरहाई दुर्गा उत्सव समिति के पास से निकल रही थी, तभी करीब 10 बदमाशों ने उस पर तेजाब जैसा पदार्थ डालकर हमला कर दिया। तभी सुनरहाई दुर्गा उत्सव समिति के पदाधिकारी पहुंच गए, जिन्हें देखकर 9 आरोपित मौके से भाग गए, जबकि एक आरोपित को समिति के पदाधिकारियों ने पकड़ लिया। वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि 6 संदिग्धों को पकड़ लिया गया है। पीड़िता को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। पकड़े गए आरोपित को कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया गया। शेष फरार आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर सराफा एसोसिएशन सहित अन्य लोग कोतवाली थाने पहुंच गए। यहां प्रदर्शन करते हुए सभी आरोपितों की 1 घंटे में गिरफ्तारी की मांग की गई। घटना की जानकारी लगते ही पूर्व महापौर प्रभात साहू, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल, सीताराम सेन सहित सैकड़ों लोग कोतवाली थाने पहुंच गए। वही घटना को लेकर CSP कोतवाली प्रभात शुक्ला का कहना है कि लड़की पर कोई ज्वलनशील स्प्रे डाले जाने की बात सामने आ रही है, इसकी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिला चिकित्सालय में उपचार के बाद युवती कोतवाली थाने पहुंची और मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। बाद में धर्म सेना, बजरंग दल सहित संगठनों के कार्यकर्ता पहुंचकर यहां नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद यहां पर एडिशनल SP CSP सहित अन्य पुलिस अधिकारी पहुंचे।